નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. તો જીગનીલમાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 2006માં મૂકવામાં આવી, જેના ફાઉન્ડર પ્રોફેસર બંદૂકવાલા સાહેબ અને તેમના સાથી જનાબ યુસુફભાઈ દૂધવાલા, જનાબ યાસીનભાઈ શેખ અને તેમના સાથીઓ દ્વારા નાગરવાડા ચાર રસ્તા પાસે આવેલા દૂધવાલા ટ્રેડર્સમાં મૂકવામાં આવી હતી, જેનો આજરોજ 14મો વાર્ષિક સ્કોલરશીપ આપવાનો પ્રોગ્રામ MES બોયઝ સ્કૂલ યાકુતપુરા ખાતે રાખવામાં આવ્યો. આ પ્રોગ્રામની અંદર મુખ્ય મહેમાન તરીકે બોલીવુડ એક્ટર સના ખાને હાજરી આપી હતી. કે વો અપને નંબર પર હી નંબર પર હી તશરીફ રખે ઇલમા ટ્રસ્ટ કે નાયબ સદર જનાબ મોહમ્મદ યાસીન શેખ સાહેબ જો ઇન્શા વાહિદ અલી બાબા માઈક મે જો કલ્લા શરીફ સે તશરીફ લાને વાલે ઇટ્સ અ પ્લેઝર ટુ બિગિન વિથ ધેટ આઈ એમ હિયર એન્ડ લિસનિંગ ટુ સો મેની પીપલ स्पेशली जो यासीन शेख साहब ने बंदूक वाला साहब के बारे में जो बताया, आई वॉज सो मेसमराइज. मैं ऑनेस्टली सुनते सुनते मैं सच कहूँ तो मैं खो गई थी. आई वॉज जस्ट यू डिफरेंट थिंग्स यू नो. मैं आज अपने जो मेरी एक छोटी सी जिंदगी है और अभी तक जो मैंने पास किया है और जो लोगों से मिली हूँ, मैंने एक चीज सीखा है कि इल्म जो है ना, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू योर बुक्स. इल्म में बहुत कुछ चीजें आती है विच वी ऑलवेज एंड अप मिसिंग. जब मैं सिर्फ पढ़ती थी यू नो, एजुकेशन जो हासिल करती थी स्कूल कॉलेज में, आई बिकेम टू लिबरल. और जब मैं लिबरल हुई तो मैं रास्ता भूल गई एंड मैं अल्लाह को भूल गई. मैं भूल गई मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ से जाना है. That education made me forget what is halal and what is haram. Well, सबसे पहले obviously मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का और जुबैर भाई गोपलानी का, जिन्होंने हमें इतने प्रेस्टिजियस इवेंट में इनवाइट किया. एंड टू करेक्ट यू, मैं बॉलीवुड के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई हूँ, बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग मेरी ज़िंदगी जो चेंज हुई है, मैं चाहूँगी और मैं हमेशा से ही एक इन अ वे सोशल एक्टिविस्ट थी. यू नो, कभी कुछ चीज़ें बाहर आती है, कभी नहीं आती, बट कुछ करना लोगों के लिए, आई थिंक दैट वॉज समथिंग जो ऑलरेडी मेरे अंदर था. और मुझे एक बहुत लोगों को ये फीलिंग होती है ना, कोई कोई फिजिकली कर पाता है, कोई इमोशनली कर पाता है, कोई फाइनेंशियली कर पाता है, तो मैं यू नो मिक्स एंड मैच करके करती रहती थी. बट ऑब्वियसली आज मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए हूँ एंड आई थिंक एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड मेरे हिसाब से एजुकेशन का राइट सबके लिए है और एजुकेशन हर जगह पहुंचना चाहिए, चाहे वो एक मिनिमलिस्टिक लेवल पे भी क्यों ना हो, लेकिन एजुकेशन पहुंचना चाहिए. हमारे बच्चे जो है यंग, जो भी हमारा जनरेशन है, वो जो यूथ है, वो हमारे आने वाला जनरेशन है. जब वो एजुकेटेड हो गए तो वो सही गलत का फैसला समझ पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में सही गलत का फैसला ले पाएंगे. यू नो, जनरली होता है, मैंने बहुत देखा अपनी लाइफ में कि जब आप बाहर से कुछ सुनते हो या कोई सिचुएशन आती है इन जनरल रिलेटेड टू एनी इशू, हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं एंड हमारा थिंकिंग सेंस ख़त्म हो जाता है. बट आई थिंक एजुकेशन आपको वो बैलेंस देता है कि आपको कैसे सोचना है और आपकी लाइफ में आगे क्या करना है और लोगों की बेहतरी के लिए क्या करना है. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम योर टुडे. आप सोशल एक्टिविटी को लेकर हर शहर में अलग अलग जगह पर जाते हो, आप ज़्यादातर ये मुस्लिम विद्यार्थियों में यंग जनरेशन में किस प्रकार के ऐसे मुद्दे देखे हैं, चीज़ें मतलब देखे जो अभी उनके लिए सबसे बड़ी इशू है सबके लिए, जो उसमें सुधार रहना चाहिए? आई थिंक ओवरऑल आना चाहिए. मैं कोई एक चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है या वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है. मुद्दे सारे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक लाइफ जो होती है वो हर चीज़ से आगे पीछे आपकी होती है, तो आप कोई एक मुद्दा ध्यान में नहीं रख सकते हो. बट डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई एजुकेशन हासिल करे और उनके एजुकेशन से वो जिस भी तरह से आगे लोगों को हेल्प दे पाए या उस एजुकेशन से दूसरों को बेनिफिट दे पाए, बेनिफिट इज़ बेनिफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन ऑल्सो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू सी बियॉन्ड रिलीजन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. मिस्टर जेएस बंदूकवाला जी અત્યારે હયાત નથી, એમણે આ ટ્રસ્ટ શરૂ કરેલું અને એની પાછળનો ઉદ્દેશ તાલીમ અને તાલીમ એટલે એજ્યુકેશન જ હતું પહેલાં. ઓકે, અને એમનો વિષય એવો હતો, એમનો મકસદ એવો હતો કે આ સંસ્થાથી જરૂરતમંદ લોકો અને પાછા મેરિટોરિયસ કે જેઓ ભણવામાં હોશિયાર છે અને જેમની પાસે ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ હોય એમને આપણે નાની મોટી મદદ આવતા વર્ષોમાં કરી દરેક ફિલ્ડમાં.
आ उद्देश्यथी आ काम 17 वर्ष पहला शुरू करेलू जे अत्यार सुधी हजू भी चाली रह्युं छे। दर वर्षे अमे दाताओ पासथी पैसा कलेक्ट करीए छीए अने ए बधा ज पैसा जे कलेक्ट थया होय ए बधा ज मेरिटोरियस स्टूडेंटने आपी दीए छे। એડવર્ટાઇઝિંગ આપીને એમને આમંત્રણ આપીને અને એમની પાસે બધી એપ્લિકેશન મેં અમે શું કરીએ એને સોર્ટ આઉટ કરીએ અને જે યોગ્યતા ધરાવે છે એ બધાને અમે બોલાવીને બધા પૈસા પછી આપીએ છીએ। ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ એન્ડ શોર્ટ ઉદ્દેશ તાલીમ માટે આજનો મેસેજમાં એવું છે કે બંદૂકવાળા સાહેબ જ્યારે હયાત હતા ત્યારે ઘણી બધી વાતો થતી હતી, ઘણી બધી વાતો થઈ છે, પણ હવે એમની ગેરહાજરીમાં આ સંસ્થા એમણે જે લેગસી છોડી છે એ કેટલું સારું અને કેવી સારી રીતે કામ કરી શકે આ પહેલાં પહેલો અમારો મુખ્ય આદેશ હતો। ઓકે, એટલે આ વર્ષે અમે શું કર્યું છે કે રેકોર્ડ બ્રેક ફંડ કલેક્ટ કર્યું, લગભગ 1 કરોડ 12 લાખ જે અત્યાર સુધી કશું થયું જ નહોતું, અને વચમાં અમારા 3 વર્ષ પહેલાં કોરોનાના કારણે થોડા ઘણા વિવિધ થયા, એમાં પણ ફંક્શન ના કરી શક્યા, ફક્ત તો પણ પૈસા કલેક્ટ કરીને અમે બધાને સ્કોલરશીપ તો આપી જ છે, ઓનલાઈન ડાયરેક્ટલી એમના બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીને કામ કર્યું છે યુસી, અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ પ્રમાણેનું કામ થતું રહે, જરૂરતમંદ છોકરાઓ મેરિટોરિયસ છોકરાઓને આની મદદ મળતી રહે અને લોકો આગળ વધે એ જ મારી ઈચ્છા છે અને એ જ અમારા પ્રયત્નો હશે ભવિષ્યમાં પણ।